ठीक है, वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली द चैप्टर इज डिलीटेड. मेटलर्जिकल प्रोसेसेस विल नॉट कम. ओनली फ्रॉम इन दिस चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स ऑल. आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की चार प्रॉपर्टीज है, वहां तक हमने करना है. वी विल नॉट, कैन यू शो मी द बुक? You can see in this book, like as the chapter will start from here, right? Three, यहां तक visible हो रहा है chemical, ये ionic bond की properties तक, that's all. ठीक है, it's page number 49. ठीक है जी, yes बेटे, हाँ जी, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस आर नॉट देयर. स्टिल हम एक बार फिर देख लेंगे सिलेबस, बट दैट इज नॉट. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑलरेडी यू हैड डन इन द सेवेंथ क्लास ऑल्सो. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर. ठीक है, जस्ट गो थ्रू अगेन. मेटल्स एंड हमारे पास ऊपर पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, इन विच यू कैन सी नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स आर देयर. ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल दे अरेंज इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. ठीक है, हाउ दे अरेंज, मतलब 118 एलिमेंट्स आर देयर, सो हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दम. ठीक है, अकॉर्डिंग और वी कैन से वी कैन डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. देयर प्रॉपर्टीज वी कैन डिफ्रेंशिएट. तो विच काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज वी विल सी. नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज आर देयर. ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज वी डिवाइडेड, ब्रॉडली डिवाइडेड द एलिमेंट्स इन टू द टू पार्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सम आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स ऑल्सो, those which are having both the properties of the metals as well as the non metals, right? अब जो metals हैं, when we are talking about the metals, आप शुरू से पढ़ रहे हो. अगर हम बात करें, bottle दिखाना, you can see this is bottle, right? ये जो bottle है किसकी बनी है? ठीक है, steel कह लो, whatever. तो what is that? That is a metal. ठीक है, different shapes are there, different shapes of the bottle you can see. ठीक है, तो मेटल्स की एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, नो डाउट चैप्टर हमने सेवेंथ में करा है या अभी हम करेंगे. बी केयरफुल, बट एवर इज देयर इन द एनसीईआरटी वी विल मेक द एमसीक्यू फ्रॉम दैट बुक, स्पेशली फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज व्हेन यू विल रीड द डिफरेंट बुक्स वहां पे एक्सेप्शंस नहीं गिवन या हम एक्सेप्शंस नहीं पढ़ते. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेप्शन क्वेश्चंस विल बी देयर. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, वहां पे आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. पहली प्रॉपर्टी, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की बात करें, तो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? मेटल्स आर मैलेबल. व्हाट इज मैलेबिलिटी? पहला है मैलेबल, बिटन इंटू थिन शेड्स. ठीक है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. एग्जांपल, एल्यूमिनियम और गोल्ड. ठीक है, ऑल दीज आर बीटन इनटू थिन शीट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर is called malleability. ठीक है, and the all the metals are malleable. कोई exception है इसमें? हाँ, वो तो चलो except उसमें ले लेंगे हम, लेकिन without breaking means आप इतना ही कर लो इसमें कि all metals are like malleable, they are beaten. All नहीं कहेंगे हम, क्योंकि some are like break हो जाते हैं, वो brittle. हाँ, वो वैसे non metals हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स आर मैलेबल. मैलेबल दैट इज द
द प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. एग्जांपल एल्यूमिनियम गोल्ड. ठीक है, ऑन दिस बेसिस कोई क्वेश्चन बनता है आपका? एनी क्वेश्चन? Why aluminium foils are used for packing food? ठीक है, so according again I am telling कि questions होंगे वो आपके इस basis पे होंगे कि आपको एक reason given होगा या statement given होगी उसके बेस पे they can ask you कि which property it is following. ठीक है जी, second लिखिए metals are ductile. But is ductility. The property is called ductility. The property by which metals can be beaten into thin wires. ठीक है, example gold, copper, silver. ठीक है, copper is used for making the wires. Electrical appliances में it is used as the making the wires. Then metals are गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अलग अलग करेंगे. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इन योर बुक देयर इज वन एक्टिविटी इन इवन इन द जूनियर क्लासेस वी ऑल्सो हैड डन कि व्हाट वी विल डू व्हेन वी विल टेक अ स्टैंड एंड ऑन दिस स्टैंड वी विल पे होल्ड करेंगे एल्यूमिनियम रोड. करी हुई है एक्टिविटी. यहाँ पे आयरन नेल्स विद द हेल्प ऑफ द वैक्स वी विल फिक्स इट. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं? बर्नर. तो व्हाट विल हैपन? धीरे धीरे ये नेल्स क्या हैं? गिरने शुरू हो जाएंगे. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल हीट द एंड ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड. ठीक है, तो धीरे धीरे करंट जो हीट जो है दैट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन एंड टू द अदर. कंडक्ट करेगी. The heat will conduct from one end to the another. और जो iron के साथ wax के साथ iron चिपकाया हुआ है wax will melt because of the conduction of the heat. So metals are good conductor of heat. ठीक है, okay. हमने अगर stand पे iron या aluminium rod लगा दी, इस पे iron और nails paste कर दिए, यहां पे वी विल पुट अ, ठीक है, व्हेन वी विल डू इट, यहां से हीटिंग यहां पे गई, हीट विल ट्रांसफॉर्म देम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दी दिस. हीट जो है वो ट्रांसफर होगी यहां से यहां तक, और यहां पे जितने आयरन नेल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे बिकॉज हीट जो है दैट इज ट्रांसफर और कंडक्ट बाय द एल्यूमिनियम रोड. एल्यूमिनियम रोड इज अ, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, इट कंडक्ट heat. ठीक है, it is a good conductor of heat and heat will pass from the one point to the another. अगर हम इस पे देखें तो घर में हम लोगों के जो भी utensils हैं उनके ऊपर coating plastic होता है, black होता है. क्यों? aluminium के बर्तन use करते हैं हम घर में. ठीक है, handles of the utensils rubber या plastic. Why so? Because that is a good conductor of heat. ठीक है जी, handles वाला question आ जाएगा इस पे. यहां पे एक्सेप्शन लिखो, लेड. लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एक्सेप्शन लिख लीजिए यहां पे, लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एक्सेप्ट ठीक है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. ओके, फोर्थ पॉइंट मैं ऊपर ही लिख देती हूं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, हाउ वी कैन प्रूव इट?
अगर हम लोग स्विच बना मतलब कुछ ज्वाइन कर रहे हैं बल्ब विल नॉट ग्लो इन दिस केस, या रबर लगा दिया बल्ब विल नॉट ग्लो, बट व्हेन वी विल पुट अ सेफ्टी पिन और आयरन नेल ओवर इट, तो व्हाट विल हैपन, बल्ब विल ग्लो, दैट मींस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? व्हाट इज देयर ऑन द इलेक्ट्रिक वायर, इफ वी आर सेइंग द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक गुड कंडक्टर है दैट मीन्स वी कैन गेट द शॉक. वायर्स के ऊपर क्या होता है, किस चीज की, रबर कोटिंग, किसी ने बोला अभी वर्ड रबर इंसुलेटर, वो क्या है, पीवीसी कोटिंग इज देयर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता. ठीक है, लिख लो, लिखना है तो. नेक्स्ट है, मेटल्स आर सोनोरस. व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड. कौन सी प्रॉपर्टी हम स्कूल में देख रहे हैं मेटल्स की जो सोनोरस है, स्कूल बेल्स. ठीक है, स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सोनोरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ द सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनोरस. ठीक है, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी. देन मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइन, अपियरेंस कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, एक्सेप्शन करवाती हूं, बट ये क्या है, लस्ट्रस, ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है. कैन यू बिलीव की, एक सेकेंड, असर्शन रीजन में भी मैंने क्वेश्चन समझाया था इस पे कि गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. असर्शन रीजन, गोल्ड इज मेटल, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज इट इज अ, या लस्ट्रस अपियरेंस का एग्जाम्पल मतलब रीजन गिवन हो, या मेलेबिलिटी के हिसाब से उसको जस्टिफाई किया हो, बट अदरवाइज गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, तो मेलेबिलिटी भी नहीं आएगा क्योंकि बाकी मेटल्स भी हैं. वी आर नॉट वियरिंग द स्टील ज्वेलरी, दीज आर ऑल्सो मेलेबल. गोल्ड इज यूज टू मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज ऑफ द लस्ट्रस प्रॉपर्टी, because it has a shiny appearance. Questions को please ध्यान से देखना, देखो कुछ नहीं है, आपको answer पता है दोनों के. Assertion है gold is used to make jewelry, reason है gold is a metal, दोनों correct है, but that is not the correct explanation. ये बहुत ध्यान रखना है. ठीक है, next लिखिए. अच्छा, sometime when we are keeping the gold or the any metals outside, तो oxides layer बन जाती है. आपने पढ़ा हुआ है कि कॉपर वेसल भी अगर हम रखते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग हो जाती है. आयरन पड़ा है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, दैट इज द रस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, मेटल्स आर हार्ड और मेटल्स आर सॉलिड लिख लो. मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, except mercury that is in the liquid form, that is in the liquid form. Metals have high boiling point, metals have high boiling points except सोडियम एंड पोटाशियम. ठीक है, बट उसके साथ और भी दो मेटल्स हैं विच कैन वेपोराइज या विच कैन स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन वी आर कीपिंग इन ऑन आर पाम, एग्जांपल सीजियम एंड गैलियम. राइट डाउन
यहां लिख लो एक्सेप्ट राइट पे लिखूं, रुको ये तो हो गई हमारी एक एक्सेप्शन। अब लिख लो मेटल सीजियम एंड गैलियम। हां जी सीजियम एंड गैलियम अंडरलाइन कर लेना, लो बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन है। दीज मेटल्स कैन मेल्ट विद आर बॉडी टेम्परेचर, मतलब इट नीड्स वेरी लेस टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट इनका कम है, तो दीज विल स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन वी आर कीपिंग इट ऑन आर पाम। ठीक है आगे लिखिए मेटल्स आर हार्ड, लिखा था हमने मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, they can cut with the knife, metals are hard except question aa sakta hai name the metals which can cut with the knife, sodium and potassium. Why they are keeping it in a kerosene? इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी, टू कट ऑफ द एयर सप्लाई, टू कट ऑफ द एयर सप्लाई सो दैट इट कैन नॉट रिएक्ट। पूरी लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, why we are keeping it or immersed in a kerosene to cut off the air supply. ठीक है जी, और मेटल्स आर हाई बॉइलिंग हाई डेंसिटी, आप क्या कह रहे हो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिख लो, वो भी यही है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख लो, स्ट्रॉन्ग लिख लो, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, इनके अलावा और कोई नहीं। Any doubts to anyone?